विद्यालय नंबर 3 सागर प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। हरित कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपको अपने विद्यालय की खूबसूरती और हरियाली से परिचित करवाऊंगी। आइए चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ हेज के द्वारा वेलकम लिखा गया है। आगे चलते हैं, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें झाड़ियां भी हैं और छोटे छोटे फूल वाले पौधे भी हैं, लाल पीले नारंगी रंग के फूल आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय में। हमारे गार्डनर के थ्रू इनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। विद्यालय की ओर हम सभी जाते हुए शीघ्र ही हम विद्यालय पहुंचेंगे और विद्यालय पहुंचने के बीच में हमें खूबसूरत गार्डन मिलेंगे। अब पहुंचते हैं अपने विद्यालय के बर्मी कंपोस्ट और किचन गार्डन की ओर। आइए तो आप सभी को हम दिखाते हैं। ये हमारे विद्यालय का वर्मी कंपोस्ट है। बच्चों के द्वारा यहाँ से सब्जी और फलों की छीलन मंगाई जाती है और इसमें डाल के वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जिसको हम अपने गार्डन्स में इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारा किचन गार्डन। इसमें हमने मेथी धनिया लगाई हुई है और प्याज भी लगाई हुई है। इसमें हमारे गार्डनर के द्वारा क्यारियां भी बनाई गई हैं और रोज इसमें वाटरिंग की जाती है। बच्चे इसको नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए चारों तरफ इसमें बांगड़ लगाई गई है। इसको बंद कर लो। विद्यालय नंबर 3 का वातावरण बहुत ही सौम्य और सुगम शिक्षा के उद्देश्य से शांतिपूर्ण वातावरण। आइए अब हम चलते हैं अपने रोज गार्डन की तरफ। वो आया होगा ना अपना वीडियो। हम पहुंचते हैं अपने रोज गार्डन की तरफ, जिसमें आप तरह तरह के गुलाब देखेंगे, पीले सफेद लाल गुलाबी नारंगी कलर के गुलाब, जिनको देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आइए अब हम पहुंचते हैं विद्यालय के मुख्य द्वार की ओर। मुख्य द्वार के सामने भी बहुत ही सुंदर गार्डन है, जिसमें अभी अभी प्लांटेशन किया गया है और बारिश के मौसम में नए पौधों को रोपित किया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर गुलाब लगे हुए हैं यहाँ पे, हिबिस्कस, डेजी, मैरीगोल्ड, सभी तरह के पौधों को आप देखते हुए हम विद्यालय की ओर जा रहे हैं। आधुनिक वातावरण और इतनी हरियाली, निश्चय ही ये दो ऐसी चीजें हैं जो विद्यालय को आगे बढ़ाएंगी और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। नमस्कार, ये हमारा मेडिसिनल गार्डन है और इसके अंदर बहुत सारे पौधे हैं, हम अभी आपको दिखाते हैं। और ये हिबिस्कस का पौधा है, इसके फूल बड़े अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट आगे है एलोवेरा। एलोवेरा तो आपको पता ही है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको हम अपने बालों में भी लगा सकते हैं, तो ये काफी बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए भी। और आगे भैया, ये कौन सा पौधा है? ये पता चलता है। अच्छा, इसका क्या यूज है फिर? ये मैम, अब जो हमारा जैसे पेट दर्द होता है ना, तो उसके लिए होते हैं मैम। अच्छा, जैसे पतली जितनी टाइप की होती है तो उसके लिए होते हैं ये। तो ये कौन सा पौधा है? ये मैम कनेर का पौधा है। अच्छा, इसके बड़े फूल बड़े बड़े होते हैं और ये बीमारी होती है। इसके फूल को निकाल के
और इनका रस बना के बाल औषधि बनती है। औषधीय पौधा है ना ये भी। ये तुलसी हमारी पेट के लिए होती है, जो पेट की ज्यादा चर्बी निकलती है उसके लिए भी होती है। इम्यूनिटी सिस्टम जिससे स्ट्रॉन्ग होता है ना। यस मैम।